अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने लाहौर के एक स्कूल में पेश आने वाले नाखुशगवार वाक़े को डिस्कस किया था, लेकिन उसके कुछ ही दिन बाद कराची के एक स्कूल में भी एक नाखुशगवार वाक़ा पेश आया है, जिसमें स्कूल में एक बच्चे को इंग्लिश ना आने पे उसके क्लास के असातिज़ा ने ही उसके मुंह पे स्याही मली और फिर बाद में उसके क्लास फेलो से कहा कि इसके ऊपर हंसो, यानी कि उसको तज़हीक का निशाना बनाया गया। मेरे और आपके लिए ये एक मामूली खबर हो सकती है, लेकिन उस बच्चे के लिए ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ा वाक़ा है। उसकी नफ्सियात के ऊपर इसका बहुत बड़ा गहरा असर होगा। हमने सोशल मीडिया के ऊपर बाहर के स्कूलों की बहुत सारी छोटी छोटी वीडियोस देखी हैं, जिसमें कुछ बच्चे मिलकर गेम कर रहे होते हैं और किसी एक बच्चे से एक एक्टिविटी नहीं हो पा रही होती तो बाकी सारे बच्चे मिलकर उसके लिए क्लैप करते हैं, उसको इनकरेज करते हैं कि भाई तुम ये काम कर सकते हो। और फिर हम देखते हैं कि कुछ कोशिशों के बाद, कुछ ट्राइज़ के बाद वो बच्चा वो एक्टिविटी करने में कामयाब हो जाता है। तो इसको कहते हैं इनकर्जिंग इन्वायरमेंट। लेकिन यहाँ पे इस स्कूल में जो वाक़ा पेश आया, इस तरह का वाक़ा तो बच्चे का न सिर्फ ये कि मुस्तकबिल तबाह कर सकता है, बल्कि उसको लाशौरी तौर पे मुस्तकिल तौर पे डिप्रेशन का शिकार भी कर सकता है। अब मैंने पिछली वीडियो में भी बात की थी कि इस तरह के ये जो हाई लेवल के इंग्लिश मीडियम स्कूल होते हैं, इनके आसाब के ऊपर सिर्फ एक बार सवार हुई होती है कि बच्चे की कोई और कंपिटेंसी बने ना बने, बच्चे को कोई और सब्जेक्ट अच्छे तरीके से आए ना आए, लेकिन इनके स्कूल के बच्चों को फर इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए। यानी ये गुलामाना जहन और सोच की अकासी है कि हमें अपनी ज़ुबान, अपना कल्चर, अपनी शनाख्त, अपने रस्म और रवाज के ऊपर हमें उनके ऊपर शर्म आती है और हम दूसरों की ज़ुबान, दूसरों का कल्चर, दूसरों का रस्म रवाज अपनाना चाहते हैं। हमसे अच्छे तो बॉर्डर पर वो सिख बरादरी है कि पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी मिलते हैं वो पंजाबी ज़ुबान बोलते हैं और पूरी पंजाबी ज़ुबान को और पंजाबी कल्चर को उन्होंने अपनी मूवीज़ के ज़रिए से पूरी दुनिया में ज़िंदा रखा हुआ है। और इस कदर मज़ा, अच्छा क्वालिटी मज़ा वो अपनी वीडियोज़ में, अपनी मूवीज़ में क्रिएट करते हैं कि जिसका हमारे यहाँ के स्टेज ड्रामों में होने वाले जुमानी जुमलों और फशगोई के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। इस तरह के स्कूल में बच्चे को दाखिल करवा के आप बच्चे के साथ जुल्म मत करें। आप मुतमिन होते हैं कि हमारा बच्चा बड़े अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, लेकिन बच्चा किस कैफियत से गुजर रहा है उसको वो आपको बता नहीं सकता कि वो इस माहौल में किस कदर डिप्रेस्ड है, क्योंकि उसके जहन में ये होता है कि मैंने इसी स्कूल में पढ़ना है, मेरे लिए यही स्कूल है, इससे बेहतर मेरे लिए कोई स्कूल हो नहीं सकता, तो मैंने चूँकि इसी इन्वायरमेंट में आना है और ये इन्वायरमेंट मुझे जैसा भी मिल रहा है मैंने इसके अंदर सर्वाइव करना है, तो वो आपको बताता भी कुछ नहीं है और उस माहौल में लाशौरी तौर पर वो सफ़र भी हो रहा होता है। तो अपने बच्चों को जब भी वो स्कूल से वापस आएँ उनकी शक्ल सूरत का मुतालिया करें, उनको देखें कि वो कहीं खुश आए हैं, कहीं पर डिप्रेशन लेके तो नहीं आए। तो तालीम कहीं ऐसा ना हो कि वो तालीम जो आप उसको देने जा रहे हैं वो उसके लिए उसकी शख्सियत को बिगाड़ने का ज़रिया बन जाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।